Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद कृपया विराजमान हो जाइए शुक्रिया अर्चना जी गर्मियों का मौसम चल रहा है आपको पता है मौसम हमारी जिंदगी पे बड़ा असर डालते हैं गर्मियों में रिलेशन बड़े खराब होते हैं इंसान के हाँ सीरियसली सर्दी में आदमी घर जाता ना फॉग पड़ रही है जाता है दरवाजे की बेल देता है बीवी दरवाजा खोलती है मोहब्बत हो ना हो बंदा हक कर देता है वो यही अगर गर्मी का मौसम हो आदमी स्कूटर साइड पे लगाता है दरवाजा बड़ी दूर है वहीं से शर्ट खोलनी शुरू कर देता है टिंग टांग बीवी कितने दरवाजा ना खोले उसको बढ़ देता कहाँ नहीं तू सबसे पहले बजा रहा था मैं अंदर जाते जाते तो पूरा ही निकाल देता है और अगर घर में एक ही एसी है उस पर भी बड़ा वाला बच्चा सो रहा हो ना तो उस पर गुस्सा निकालता है उठ यहां से दसवीं के एग्जाम आ रहे और इधर घोड़े की तरह सो रहा है पीछे से बीवी बोलती दसवीं कहां भी तो वो नौवीं में पढ़ता है तो लेटा रहेगा तो नौवीं में रह जाएगा उठ भड़क जाता है आदमी अच्छा जिसके पास तो चार पैसे होते हैं गर्मियों में वो तो कुल्लू मनाली जाने का प्रोग्राम बना लेता है नहीं तो मेरे जैसे ना कई ऐसे रिश्तेदार ढूंढते जिसके घर में एसी लगाओ जैसे हमारा दिनेश इसने अपने मामा का नाम ऐसे सेव करके रखा एसी वाले मामा जी और इसके मामा ने भी इसका नाम ऐसे रखा हवाखोर भांजा अच्छा कई जगह तो गर्मियों में इतनी तेज लू चलती ना लोग ना पूरा शरीर मुंह ढक के जाते खास तौर पे लड़कियां जो स्कूटी पे जाती ना बैठ के पहले तो हेलमेट यहाँ तक मास्क और खाली आंखें दिख रही होती हैं बाजू भी चढ़ाया होता है दिक्कत उन लड़कों को आती जो इनके चक्कर में ना 20-20 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के निकल जाते हैं जब रुकती लड़की ये भी रुकता है ना बाद में कपड़ा हटाती पता चलता है ये तो मॉडल टाउन वाली बबली मासी है और फिर मासी ने भी देखा तो आदमी कच्चा हो जाता है हेलो मासी हेलो मासी करीब ना मासी मैं देखा आपको उधर तो मैंने कहा आप रुक ही नहीं रही मैंने कहा नमस्ते करके आते मासी भी हैरान हो जाती कि इतना संस्कारी कब से हो गया ये पैरी पहना करने के लिए 100 रुपए का तेल खर्च कर दिया इसने गर्मी के मौसम में लेडीज को ज्यादा परेशानी आती है आदमी लोग तो क्या पूरे बदतमीज हो जाते हैं ऑलरेडी लुंगी बनियान में घूम रहे होते हैं थोड़ी गर्मी पड़ती ना तो बनियान यहाँ तक चढ़ा रहे ओ हो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई और अगर इनसे भी उनका मन ना भरे लुंगी भी आधी फोल्ड कर लेते हैं कि चलो ऊपर से नाच से ही नीचे से तो हवा लगे ऐसे में बेचारे जो बाहर गर्मी में चीजें बेचते हैं खासतौर पे जो बर्फ बेच रहे होते हैं ना वो तो देखते हैं इधर उधर कोई नहीं आ रहा अपनी लुंगी उठा के बर्फ पे बैठ जाते कई बार ना आदमी धूप में इतना घूम लेता है कि बॉडी पे कपड़ों के निशान बन जाते हैं अब देखना जो आदमी बनियान पहन के स्कूटर चलाएगा ना जब बनियान उतारेगा ना तो उसकी बनियान छप जाती है आप उतार भी दो तो लगता है पहनी हुई है ये दिनेश गया दुकानदार के पास बनियान लेने कहता यार मुझे ना मेरी बनियान का साइज नहीं पता है शर्ट उतार के आता ये निशान से हिसाब लगा ले अच्छा मजे की बात उसने इसके नाप की बनियान निकाल भी दी हाँ थोड़ी देर बाद कहता मुझे अंडरवेयर भी चाहिए वो घबरा गया फिर बोलते नहीं नहीं 46 नंबर गर्मी के मौसम में नौकरी करने का तो दिल ही नहीं करता एक ही बंदा खुश होता है जो एटीएम का वॉचमैन अंदर एसी लगा आता है स्टूल डाल के बैठा रहता है उस समय बैंक मैनेजर से कम फील नहीं लेता वो दिनेश चला गया गर्मी में इसके था भी नहीं एटीएम से कोई काम ऐसे चला गया जाके इसने जान बुझ के ना मशीन में अपना कार्ड फंसा दिया फंस गया कहता और एसी के नीचे ऐसे खड़ा हो गया कार्ड फंस गया वॉचमैन भी बड़ा तेज था उसने जैसे तैसे करके कार्ड तो निकाला ही इसका 800 रुपया भी निकाल लिया कहता ये ले 500 का पंखा लगा और चल दफाओ अच्छा मैं गर्मी की बात कर रहा हूँ इस मौके पे आपके लिए गर्मा गर्म मैं चीज लेके आया हूँ जलेबी छोले भटूरे गर्मा गर्म सिर्फ जलेबी और छोले भटूरे नहीं होते सूरज भी गर्म होता है धरती भी गर्म होती है रेगिस्तान भी गर्म होता है इंडिया में जो रेगिस्तान है उसका नाम क्या पता है आपको थार यस और मैंने थार ऐसे गूगल पे सर्च किया मुझे पता चला उसके नाम से एक फिल्म भी आ रही है और फिर थार वालों ने गूगल पे सर्च किया हाउ टू प्रमोट तो द कपिल शर्मा शो आ गया और वो उनको यहां पे ले आया
तो चलिए मैं मिलवा देता हूं कि हमारे यहां पे आज कौन कौन से मेहमान आए हैं. प्लीज वेलकम फॉर एवर यंग एंड एनर्जेटिक, हम सबके चाहते मिस्टर अनिल कपूर साहब, और साथ में वर्सेटाइल एक्टर मिस्टर सतीश कौशिक. मजा आ गया सतीश. आप मुझे कहीं माधुरी दीक्षित तो नहीं समझ बैठे? जोरदार तालियां अनिल सर और सतीश सर के लिए. पर अनिल सर आप क्या बात है यार, हमेशा की तरह और जवान होते जा रहे हैं आप, और फिट होते जा रहे हैं. अच्छा इनको देख के कोई कह सकता है ये नाना बनने वाले हैं? सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मुबारकबाद यार सर. ये न्यूज जब आपने सुनी कि आप नाना बनने वाले हैं, उसके बाद आपने थोड़ा बहुत अपने आप को बड़ा महसूस किया कि 5 साल और छोटे हो गए आप? वो क्या है कि कपिल जी, जैसे तू घर में शादीशुदा है जी, बाहर तो तू कुंवारा ही घूमता बैचलर बन के जी, तो मैं भी सिर्फ घर में नाना हूँ, जू में नाना हूँ, और जू की गली तक ही नाना हूँ. बाहर मैं 5 साल थोड़ा और छोटा हो चुका. वाह क्या बात है सर, यही स्पिरिट होनी चाहिए सर. अनिल सर की फिल्म आई थी ना बेटा, बेटा को 30 साल हो गए, इनका अपना बेटा 31 साल का हो गया, लेकिन इन्होंने इतना मेंटेन किया हुआ कि आज भी बेटा फिल्म कर सकते हैं. और सतीश सर को भी मानना पड़ेगा, इन्होंने भी ऐसा मेंटेन किया हुआ है, 30 साल पहले भी बाप का रोल कर लेते थे और आज भी कर सकते हैं. फॉरएवर बाप. सर आपको पता है सतीश सर हमारे शो पे आते रहते हैं, पहले अपने फ्रेंड अनुपम खेर साहब के साथ आए, फिर रूमी जाफरी साहब के साथ आए, और साथ में अनु कपूर साहब आए, इस बार आप अनिल कपूर साहब के साथ आए. सब दोस्तों के साथ ही आप आते हैं, आप ज्यादा फ्री हैं कि दोस्त ज्यादा फ्री हैं? मतलब असल में कपिल जी, मैं ना अपने दोस्त को मिलने आता हूँ. अच्छा जी. हाँ वो कहता है मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ. अच्छा जी. पर जब मैं यहाँ पर आता हूँ ना तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा फ्री तो वही है असल में. यार ये लव स्टोरी बढ़ती जा रही है, 3 एपिसोड में तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा यार. हमने ये सुना है ऐसे मीडिया में कि अनिल सर के जो सुपुत्र हैं हर्षवर्धन जी, वो इनके पास ये फिल्म लेके गए थे. सर बेटे बड़े स्मार्ट होते हैं, बड़े चालू होते हैं एक्चुअली. कभी नहीं बोलेंगे मैं अपनी बीवी लेके आया हूँ, हमेशा ही बोलेंगे आपके लिए बहू ले आया हूँ. हमने सुना आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि पहले आपको फिल्म लेके आए, वो बोलते पापा आपके लिए बड़ा अच्छा रोल है, बाद में कहा कि आप ही प्रोड्यूस कर दो. कैसे घेरा हर्षवर्धन ने आपको? एक्टर तो आप हैं ही, साथ में प्रोड्यूसर भी हैं इस फिल्म में. बस ये सब मेरे से ही सीखा है, मैंने भी काफी लोगों को घेरा था. तो उतना ये क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि देखो ये थार फिल्म है, इसका स्क्रिप्ट है, स्टोरी है, स्टोरी कहानी अच्छी लगी और सब कुछ अच्छा लगा, और बोला कि मेरे साथ जो है वो 2 हीरोइन आएंगी. अच्छा जी. जैसे कि आपने बोला तेरे साथ 2 हीरोइन और मेरे साथ, बोला आपके पास सतीश जी होंगे जी. अच्छा मैंने बोला ठीक है, सतीश जी होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे से यू नो इतने करीब हैं, बहुत सालों का मेरा रिश्ता है, और मेरे पापा के दोस्त भी हैं ये. यार ये तो कुछ ज्यादा हो गया. ओह क्योंकि मेरे पापा के दोस्त हैं तो इनकी इज्जत करनी पड़ी. आशीर्वाद दो. जीते रहो बेटा, जीते रहो. तो आपने हर्षवर्धन से कहा नहीं कि मैंने एज ए प्रोड्यूसर क्या तुम्हें पुराने नोट दे दिए थे जो मेरी जोड़ी इनके साथ है? अनिल सर, सतीश सर, आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, आज तक साथ हैं, आप एक्टर भी इतने अच्छे हैं इसलिए साथ फिल्म में भी आ रहे हैं, वैसे तो आप डायरेक्टर भी बड़े अच्छे हैं, तो जब ये फिल्म डायरेक्ट करवानी होती तब इनको आपकी दोस्ती की याद नहीं आती? कपिल जी, अनिल जी और मेरी दोस्ती का आपको पता नहीं है, ये इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त हैं, और मेरा इतना ख्याल रखते हैं हर चीज के बारे में. अच्छा, मतलब मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं जब मैं अनिल के बारे में सोचता हूँ कि ये मेरे बारे में कितना सोचते हैं. लेकिन जब डायरेक्शन की बात आती है ना तो मेरे दोस्त को रूप की रानी चोरों का राजा याद आ जाती है यार.
और इसके आंख में आंसू आ जाते। तो ये एक रीजन है, अदरवाइज तो दोस्त तो दोस्त है। लुक, अभी भी इनकी आंख में आंसू है। सर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आइए विराजमान हो जाइए। अब वक्त है इस फिल्म में एक और अहम किरदार निभा रही एक्ट्रेस को स्टेज पे इनवाइट करने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मुक्ति मोहन। जोरदार तालियां मुक्ति के लिए। हाउ आर यू मुक्ति? कपूर पार्टनर। जोरदार तालियां मुक्ति के लिए। अर्चना मैम। मुक्ति, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। सेम। हम लोगों ने साथ में अर्चना जी को बताया, अर्चना जी हमें जज करती थी, आज भी वही कर रही हैं। अनिल सर, हम लोग पार्टनर होते थे कॉमेडी सर्कस में, और मुझे बड़ी खुशी होती मुक्ति जब भी कुछ अलग अलग चीजें करती हैं। आज हमारे शो पे आई गेस्ट बनके, बहुत बहुत स्वागत है मुक्ति। थैंक यू, थैंक यू। मुक्ति, आप देखो हम साथ में शो करते थे। आप बोल रहे हो आप मुझे? हैं? आप? नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप लोग देखो कि हम साथ में शो करते थे। तो अब देखो, मैंने अपना एक शो बनाया, लोगों ने इतना प्यार दिया, तुम भी फिल्मों में आ गई। बिल्कुल। अर्चना जी ने भी सिद्धू जी को खा लिया। तो क्या ओ, कैसा लग रहा है तुम्हें इतने सालों बाद अर्चना जी को देख के? मैं बता रही हूँ, मैंने फिल्म में एक अहम किरदार निभाया है। हाँ। सिर्फ कपिल शर्मा शो में आने के लिए। मैं सबको बता दूं कि मुक्ति के पास ना बचपन में एक शर्ट हुआ करती थी जिसके ऊपर लिखा था 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। ये बचपन से अनिल सर की फैन है। ये कभी सोचा था कि एक साथ मतलब अनिल सर के साथ मतलब हमारे शो पे आओगी ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। और उनके साथ अपनी पहली मूवी करूंगी, ये मेरी डेब्यू फिल्म है। वाओ। और मतलब ऑडियंस ने अभी तक मुझे डांस करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर करने को मिला जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये एक्चुअली राज सर की विजन थी और उन्होंने बोला कि ये मुक्ति तुम करोगी। और मतलब इतना ट्रस्ट मेरे माँ बाप नहीं करते होंगे। और दिग्गज आर्टिस्ट मतलब सतीश सर, अनिल सर, आप लोगों के साथ खड़े भी होना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। सीरियसली, आओ आज हम आपको साथ में बिठाते हैं, आइए प्लीज। व्हाट एन ऑनर। मैं आज सब दर्शकों, वैसे तो पता ही है ये ऐसी फैमिली है, इतनी टैलेंटेड, चार बहनें चारों इतनी टैलेंटेड है। नीति, शक्ति, मुक्ति और कृति। उसके बाद पिताजी की राइमिंग खत्म हो गई कि टाइमिंग खत्म हो गई? ओके, जोक्स अबाउट मुक्ति, अभी भी मासी बनी है, बहुत बहुत मुबारक। अरे अरे, मुबारक। छोटा बेबी हुआ है नीति के, बड़ा प्यारा है, गुल्लू मुल्लू। जी जी। तो आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर राज सिंह चौधरी। क्या हाल है सर? वेलकम, आइए राज सिंह प्लीज। राज सिंह चौधरी साहब हमारे बीच हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम ही ऐसा ना, राज सिंह चौधरी, आपको पता है आप चुनाव में नामांकन पत्र भी भर देना, 1000-1500 वोट तो वैसे ही पड़ जाए नाम के चक्कर में। मैंने ना एक नाम हटा दिया, मेरे यहाँ पिताजी का नाम भी लिख देते तो राज मंगल सिंह चौधरी था। ओहो, तो फिर गांव बुरा था, गांव का नाम भी लिख देते। अच्छा, इनको कोई ये भी नहीं कह सकता कि तू ज्यादा चौधरी ना बन। नहीं है ही। आपको कब लगा सर मैं फिल्मों में जाके चौधरी बनूंगा, आई मीन डायरेक्शन में जाके? नहीं, ये तो मैं बहुत पहले लग गया था, पर मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर ली थी। अच्छा जी। और असिस्टेंट था डायरेक्टर। अच्छा जी। पहली फिल्म जो मैंने एक्टिंग की थी गुलाल, उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी थी मैंने। राइट। तो तब से ये चढ़ा हुआ है। वाओ। अच्छा, इन्होंने आपको मैं बता दूं कि थार के जो डायलॉग्स हैं वो मिस्टर अनुराग कश्यप साहब उन्होंने लिखे हैं, और जैसा कि उन्होंने अभी भी बोला कि इन्होंने गुलाल के लिखे थे। हाँ। तो उन्होंने आपकी गुलाल की पेमेंट नहीं की थी जो बदले में आपने उनसे ये लिखवाया? कोई पेमेंट नहीं मिली थी गुलाल की। अच्छा ही। पर जब अनुराग कश्यप ने आपसे कहा कि मैं गुलाल बना रहा हूँ, तो आपने कहा नहीं 2-4 दिन रुक जा, क्या पता कोई फिल्म मिली जाए, रंग रोगन का काम क्यों कर रहा है? मैं कह, जब अनुराग कश्यप साहब ने आपसे कहा कि मैं गुलाल बना रहा हूँ, तो आपने कहा नहीं रुक जा, क्या पता कोई फिल्म मिल जाए, क्यों रंग रोगन का काम शुरू कर रहे हो? जब यही रिस्पांस देना था तो दूसरी बार क्यों सुना सवाल?
मैं ये होता है रिस्पॉन्स और हमारे ना ये जो कैमरास लगे हुए ना सर ये भी पता नहीं कहां से कौन सी कंट्री से मंगाए जो हंसता है उसी के शॉट लगते हैं लगाओ लगाओ शॉट लगाओ भैया जो पर बड़ी मेहनत करके आए हैं आप इतनी गर्मी में शूट करके आए हैं फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं ऊपर से रेगिस्तान में शूट करना तो हमने आपकी फिल्म के हिसाब से बड़ा मजेदार क्रिएटिव सोचा है क्या ये थार में शूट करके आए हैं तो पता है आपको ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है मरुस्थल का तो बड़ा ही इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ बैठ बैठ के हमने थोड़ा क्रिएटिव प्लान किया है तो आपको एक बात बोलनी है ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की आई विल स्टार्ट विद मुक्ति ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की पहले आप ही बोलो ऊंट ऊंचा ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट का सब कुछ ऊंचा सॉरी अरे ट्राई तो करके देखो ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची पीठ की हाँ पूंछ ऊंची पीठ की नहीं पूंछ पूंछ क्या बोल रहे पूंछ ऊंची ऊंट की यू तो पूरा बोलो ये गलतियां तो कोई भी निकाल लेता है बुआ जी मजा तब आता है जब पूरी लाइन बोलो अच्छा आप बोलो ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची पीठ की ऊंट की पूंछ की क्या बोल रहे हो जी मेरे को भी गलती कर रहे थे पूंछ ऊंची ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊटी और कोई ट्राई करना चाहेगा अनिल सर आप ऊंट ऊंचा हाँ ऊंट की पीठ ऊंची हाँ पूंछी ऊंट की पीठ चौधरी साहब अब आपने 15-20 बार तो सुन लिया है मैं तो ऊंट पे चढ़ ही जाता हूँ फिर अब निकल लेता हूँ ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची और पूंछ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की हाँ पूंछ ऊंची नहीं ऊंटी नहीं पूंछ ऊंची पीठ की पीठ की नहीं ऊंची ऊंची ऊंट की इतने पढ़े लिखे सुपरस्टार नेशनल टीवी बैठ के क्या बातें कर रहे हैं सबसे पहले तो लेट मी स्टार्ट विद ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची पूंछ ऊंची ऊंट की माइक ड्रॉप पर ऊंट के बारे में गुरिल्ला क्यों बात कर रहा है ओ माय गॉड अनिल जी सतीश जी नमस्ते हाय राज जी हाय मुक्ति जी ओ माय गॉड मेरे फेवरेट लोग आए हुए हैं मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूं मैं हूं बंपर जो रहती है अपने दम पर तो दम पर ही रहोगी बम का दम तो तूने कब का निकाल दिया बैठ बैठ के शर्मा जी यू कैन जस्ट टॉक टू माय हैंड बम्पर तू यहाँ कैसे मैं ऑटो से ऑटो से ऑटो से नहीं मैं पूछ रहा हूँ दुनिया में कैसे आई जब तू पैदा हो रही थी किसी ने रोका नहीं इंसानों में क्या करने जा रही है तू हैं नहीं सर इस बात पे कोई नहीं हंसेगा अगर आप इस बात पे हंसेंगे तो मैं प्रमोशन नहीं करूंगी फिर फिर मैं सबको बता दूंगी ये जो ट्रेलर आया है थार का ना इसी की फिल्म आ रही है मैं बता दूंगी तो यही तो प्रमोशन होता है यही प्रमोशन होता है हाँ तो अभी थोड़ी देर पहले बाहर सतीश जी मेरे गले में हाथ डाल के झूम रहे थे मैंने जब इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं तो ये कहते हैं यही प्रमोशन होता है सतीश जी वेरी रॉन्ग ये आपकी कौशिक नाकाम रही है लेकिन मैं बताऊं कमाल की बात क्या है कौशिक करने वाले की हार नहीं होती लेकिन थार होती है ओ, बात बात में मैं पूछना ही भूल गई आप लोगों में से किसी के पास 4 रुपए का छुट्टा होगा 4 रुपए तो खुद छुट्टे ही होते हैं और क्या होता है हाँ तो दे दो मुझे
क्या है, मैं ऑटो में आई हूँ, शेयरिंग ऑटो में, पांच लोग ने हमने शेयर किया, टोटल 20 रुपए हुए, तो सबको चार 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 देने हैं। चल झूठी, तू बैठी तो बाकी चार कैसे बैठे तेरी गोद में? यही सवाल ऑटो वाले ने भी पूछा था। अब वो बस में घूम रहा है और हम ऑटो में। पर अनिल जी, ओहो, मैं कितनी बड़ी फैन हूँ आपकी, आई कांट टेल यू। और आपकी फिल्म आई थी ना वो नायक, ओ नायक फिल्म में बड़ा रिलेट कर पाती थी। एक ही सीन से रिलेट करती है ये, एक सीन में जब आप कीचड़ में निकलते नहीं आप, ये रोज कीचड़ में जाके लेट जाती है, फिर चार हाथी इसने दोस्त बना रखे हैं, उनको बोलती सूंड में पानी भरो, मैं हाथी शावर लूंगी। हाथियों ने मुझे खुद बुलाया था, वो गुस्सा कर गए, कहते कीचड़ में आई तो हमें पता नहीं चला, अब हमने धोया, ये कैसा हाथी, इसकी तो सूंड ही नहीं है। ये भी आपको सच बता रही हूँ, ये ना मेरे पिताजी के संस्कार हैं जिनकी वजह से मैं इन बातों का जवाब नहीं दे रही हूँ। हाय, पिताजी की याद आ गई। कितने नेक इंसान थे वो, आपको बताऊं, कोई भी हमारे घर आता था ना खाली हाथ नहीं जाता था। बहुत दान वगैरह करते थे? नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़े जुआरी थे और हमेशा हारते थे। लोग खाली हाथ आते थे और घर से कैश, ज्वेलरी, सोफा वगैरह, पता नहीं क्या क्या लेके चले जाते थे। अरे पापा को छोड़ना, गेस्ट की बात कर। नहीं नहीं, जरा सी जुए की वजह से पापा को छोड़ क्यों दूं? मैं बोल रहा हूँ मुद्दा छोड़, गेस्ट से बात कर। हाँ नहीं, गेस्ट से तो मैं बात करूंगी। सतीश जी, अभी कुछ दिनों पहले ही आप यहाँ पर आए थे ना? हाँ जी। अनिल कपूर जी, आप तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं, तो आप सबको बुला लेते हैं लेकिन मुझे नहीं बुलाते। तो हमने उन्हें बुलाया, फिर भी तू आई है ना अपने आप? हाँ, तो अपने शौक से नहीं आई हूँ मैं, वो मनमोहन के 3 मैजिकल वर्ड्स की वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। कौन से वर्ड? आई लव यू? नहीं, घर खाली करो। आई टेल यू अनिल कपूर जी, ये मुंबई का ना सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? जरा सा रेंट ना भरो तो ये लोग घर से निकाल देते हैं, जबकि इनको ये बात समझ में नहीं आती। एक तो मैं आपके घर में रही, आपके हाथ का बनाया हुआ खाना मैंने खाया, अपने झूठे बर्तन मैंने आपसे साफ करवाए, इतना अच्छा रिलेशनशिप है, फिर भी रेंट के लिए आप मुझे घर से निकाल देंगे? What is going on? तुझे पता है बम्पर, रेंट तो तुझे सांस लेने का भी देना चाहिए। एक बार सांस लेती 2.5 किलो ऑक्सीजन खींचती है ये। फालतू बातें ना कर, यहाँ पे क्यों आई तू? मैं आई क्यों हूँ? हाँ, हूँ क्यों आई मैं? हाँ ठीक है, मैं बता देती हूँ, अनिल कपूर जी प्रोड्यूसर हैं और मैं हुए कलाकार। अनिल कपूर जी, आपको जान के खुशी होगी कि मैंने बॉलीवुड में कदम रखने का डिसीजन ले लिया। वाह, रख कदम और तोड़ दे बॉलीवुड तू। मैं तुम्हें एक बात बोलूं, 2 फ्लैट ले, एक में अपना मुंह रख, एक में बाकी का धड़। ये दोनों साथ में आते हैं फिर बड़ी फालतू बातें करती है। कैसी बातें करते हैं यार आप? मुझे ना आपसे ये चाहिए। मतलब? मुझे आपसे मुक्ति चाहिए। कभी भी तू अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि तेरा यहाँ पे ये नहीं चल रहा। ये क्या होता है? तेरा राज नहीं है यहाँ पे चल रहा। कौशिक अच्छी थी, मानना पड़ेगा। नहीं लेकिन मैं आपको सच बताऊं, हीरोइन तो मैं ऑलमोस्ट बन गई थी, मैं तो फाइनल भी हो गई थी। अच्छा। वो जो डायरेक्टर थे उन्होंने हीरो देख लिया था, लोकेशन देख ली थी, स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे देख लिया। और मुझसे छोटी सी गलती भी हो गई। क्या? मुझे स्विम सूट में उनके सामने नहीं जाना चाहिए था। फोन पे बातें तो हमारी बड़ी अच्छी होती थी। अच्छा। तुझे एक्टिंग वगैरह आती है बम्पर वैसे? अरे बहुत ज्यादा एक्टिंग आती है। अभी परसों के दिन रेलवे स्टेशन पे 1000 लोग मिलके मुझसे कह रहे थे कि इतनी ज्यादा एक्टिंग मत कर, हमें पता है पर्स तू नहीं लिया है। पता नहीं हूँ, इतना ही नहीं, पुलिस तो मेरा हाथ पकड़ के खींच के मुझे लेके जा रही थी कि चलो चलो चलो। अब किसको कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लग जाए, यू नेवर नो ना। अरे तुम्हें जेल हो रही थी? नहीं, वो तो मेरा नेचर है, मैं हर किसी के साथ जेल हो जाती हूँ। अबे जेल नहीं हो जाती, तुम्हें सजा हो रही थी, पुलिस तुझे पकड़ के लेके जा रही थी। नहीं नहीं, देखिए ये मैं डिसाइड करूंगी मुझे सजा हो रही थी कि नहीं। वेरी फ्रेंकली कोई सजा नहीं हो रही थी, वो सजा नहीं थी, वो मजा था। अच्छा। सच बता रही हूँ, जब मैं वहां पे गई इतनी गर्मी थी, कोई किसी को पानी तक नहीं पूछ रहा था, लेकिन मुझे उन्होंने बर्फ की सिल्ली पे लिटाया। सो मच केयर, सो मच लव, सो मच लव। ओ बम्पर,
ये क्या कर रही, गर्दन तेरी पहले नहीं ऊपर से होठ भी छुपा रही है। चल निकल, बहुत हो गया तेरा, चलो। देखिए चलिए मैं चली तो जाऊं, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं मुक्ति मोहन का डांस नहीं देख लेती। एक मिनट। ओ वाओ मुक्ति मोहन गुड डांस, मैं देख रही हूँ। Talk to my hand, okay? No. Thank you. Super. Thank you, thank you, thank you. मैं ये बड़ी खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, मैं फिर मिलूंगी, okay? I will see you. Bye bye. मुक्ति, आज तुम एज एन एक्ट्रेस हमारे शो पे पहली बार आई हो। यस पार्टनर। और अनिल सर को बताया है, सतीश सर को बताया, राज सर आपको पता नहीं होगा, हम लोग ना लोगों के कमेंट्स निकालते हैं जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स या वीडियोस डालते हो, बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं लोगों के, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, प्लीज अवे लोग। न्यू लुक, न्यू जर्नी, न्यू ड्रीम, पाथ ऑफ अचीविंग समथिंग इज नेवर इजी, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो क्यूट। ट्रू यार। सतीश ये बता, ये न्यू लुक कहाँ से है? तेरा तो सेम लुक है दसियों साल से। ये न्यू लुक उससे पहले बहुत जबरदस्त थी। अच्छा। हाँ, जो बाल थे फिर वो कम होते चले गए, कम होते चले गए। अच्छा। जब काफी कम होने लगे मैंने कहा इनको भी हटा दो यार। हाँ। और न्यू लुक के लिए कर दिया। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे क्या है। जब एयर होस्टेस बोले कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताना, सतीश कौशिक अपनी चाहत सोचते हुए। किसी लिखा आप इस चश्मे को पलट के पीछे लगा लोगे तो पीछे वाले को लगेगा आप उसी को देख रहे हो। मैं शक्ल देखकर ही बता सकता हूं कि आपके बगल में लड़की बैठी है और पीछे वाले के बगल में लड़का। पीछे वाला दुखी बैठा है ना। लगता है वो पीछे वाला आदमी ससुराल जा रहा है। और दिखाइए आगे। Pinocchio. क्या लिखा है मुक्ति, खुद पढ़ के बताओ जरा। Pinocchio, Pinocchio, that little wooden Pinocchio, his nose it grew an inch or two with every lie he spoke. You. वाह, क्या मतलब इसका? वो झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी होती है ना? अच्छा, कमेंट्स दिखाइए। कहाँ से ढूंढा है? उक्त पंक्ति में कवि क्या कहना चाह रहा है? हिंदी में व्याख्या करें। क्या करे? ये होता है लड़कियों का टैलेंट, पुतले से भी बात कर लेती हैं। दूसरे ने लिखा है बॉयफ्रेंड सुनते सुनते पत्थर बन गया लेकिन इनकी बातें खत्म नहीं हुई। और दिखाइए आगे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इसने लॉकडाउन में मास्क कैसे लगाया होगा। लंबी नाक वाले थे। ये बंदा तरबूज में छेद करके बता सकता है कौन सा लाल है। और आगे दिखाइए। राज सिंह चौधरी, अरे हुजूर वाह राज बोलिए। कमेंट्स दिखाइए। व्हाई हैव यू टैग लारा इन लारा? शी टुक द पिक्चर मैम। अच्छा, शी टुक द पिक्चर। इनके यहाँ फोटोग्राफर है वो। जब होटल वाले बोल दें पी लो सर टी कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे बंदा तभी हंसता है जब आधी चाय पीने के बाद मक्खी गिर गई बोल के दूसरी चाय मंगवा लेता है। ये सबसे खतरनाक, चाय पीकर प्रेशर बनाता हुआ हाथ। जाए यार। और दिखाइए। बहुत अच्छे। ओह अनवेलिंग यूएस ट्रूली, थैंक यू मैडम तुसाद सिंगापुर फॉर मेकिंग मी लुक गुड इन वैक्स। सर आप कोई कैसे भी बना दे आप खूबसूरती लगोगे। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। कमेंट्स दिखाइए जरा। अबे ओ झापड़ी के, हंस क्या रहा है, अपुन 2 साल छोटा है तेरे से। अनिल सर देख रहे हैं कि स्टैचू बनाने वाले ने कहीं दाढ़ी में सफेद बाल तो नहीं लगा दिए। असली वाला कौन सा है कैसे पता करें? किसी ने रिप्लाई लिखा है कि एक खूबसूरत लड़की ले आओ जो पिघला समझो नकली। और दिखाइए। 100 year सेलिब्रेशन ऑफ माई स्कूल हाकोट बटलर स्कूल एट मंदिर मार्ग न्यू दिल्ली बिरला मंदिर वॉल इज सीन विच वी यूज टू
क्लाइम टू गो आउट हैं? आप भी ये सब करते थे सतीश सर? दीवार फांद के भागते थे आप स्कूल से? हाँ, तब ऐसा नहीं था। कमेंट्स देखते हैं। इनविटेशन कार्ड ना मिलने पर सिक्योरिटी गेट के बाहर तक छोड़ते हुए। जब स्कूल वालों ने पुराने बच्चे को बुलाया और बहुत पुराना बच्चा चला जाए। चलिए सर, खाना उस तरफ है। जबरदस्ती पकड़ के डोनेशन करवाते हुए। और दिखाइए मुक्ति मोहन, द ओनली बूमर आई अंडरस्टूड रिसेंटली हैशटैग ओके बूमर। पीएस, ए मेल कंगारू इज कॉल्ड ए बूमर। बड़ी अच्छी पिक्चर है, ऑस्ट्रेलिया की है। दिखाइए जरा कमेंट्स। मुक्ति भी लाइक, सूंघ के बता ये परफ्यूम अच्छा है या दूसरा लाओ। किसी लिखा इस बकरी के दो हाथ छोटे रह गए। किसी ने रिप्लाई किया अबे वो कंगारू है। उसने फिर रिप्लाई किया सॉरी कंगारू के दो हाथ छोटे रह गए। आगे, ए मेल कंगारू इज कॉल्ड बूमर, यू डू हिप हॉप आई डू घूमर। ये बम्पर टाइप का जोक है। हाँ, है ना? तुम्हारी जिससे शादी होगी उसे तो सच में मुक्ति मिल जाएगी। और दिखाइए। अरे फ्रॉम द ल्यूनेटिक असाइलम। ओहो, ये सारी फोटो है आपकी, लारा ही खींचती है। है जी ये, हाँ ये उसी। इसके पीछे क्या राज है चौधरी साहब? ये उसके घर पे हेलोवीन पार्टी थी। अच्छा जी। तो उसकी बेटी, छोटी सी बेटी है, तो उसने बैठ के पेंट कर दिया था मेरे, और उसी ने फोटो ली है उसकी बेटी ने। आई कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। भाई साहब मुंह धोया करो, मुंह पे जाले लग रहे हैं। किसी ने लिखा स्पाइडर मैन वर्क फ्रॉम होम। और दिखाइए। ओ एंजॉयिंग ए ब्रेक ऑन एन आउटडोर शूटिंग शेड्यूल, माय सैटरडे मूड। वाह सर जी, क्या बात है। वेयर इज दिस अनिल? दिस इज इन श्रीलंका। मुर्गा तो इंग्लैंड का लग रहा है। उसने कोट पहना है। हाँ, जिम विम जाता हुआ। मुझे लग रहा है कि अनिल सर मुर्गे से भी पहले उठ चुके हैं। ऑलरेडी वर्किंग आउट। आइए कमेंट्स। बड़ी अच्छी तस्वीर है ये। ब्यूटीफुल रियली। वैसे मुर्गा सबको उठाता है पर अनिल कपूर ने मुर्गे को भी उठा दिया। वही वाह वाह मुक्ति। सर जी आपकी फोटो में मुर्गा आया या आप मुर्गे की फोटो में आए हो? साइकिलिंग तो बहाना है, अभी थैला निकाल के मुर्गा पकड़ेंगे। और दिखाइए। खत्म। गर्मी का माहौल है। अच्छा, मैंने एक और बात सुनी कि अनिल सर की आदत है ये ना बिना बताए घर पे ना दोस्तों को इनवाइट कर लेते हैं। अच्छा। ऐसे कैसे सर, घर की होम मिनिस्टर को बिना बताए ऐसे दोस्त आ जाएं? ये पुरानी आदत है, जब स्कूल में भी था, फिर कॉलेज में था, जब शादी नहीं भी हुई थी, घर पे सबको यू नो चाहे 10 दोस्त हों या 15 हों या 20 हों या 25 हों, तो मुझे लगता है ये खुशनसीबी होती है कि आप किसी को भी घर पर बुलाएं, चाहे कितने भी आपके यार दोस्त हों, मेहमान हों, मगर खाना सबके लिए होता है। वाह क्या बात है। ये मैंने देखा पंजाबी फैमिलियों की बड़ी खासियत होती है। तो इसे ये खुशनसीबी होती है कि आपके घर में बरकत है। एक्चुअली बरकत तो मम्मी का भी यही था और सुनीता का भी यही है। किसी वक्त तो चाहे 2 बजे हो रात के, 3 बजे हो, सुबह हो, 5 बजे हो, चाहे इन्फॉर्म करूँ नहीं करूँ, मगर कितने भी लोग आ जाएं घर का, मगर खाना भरपूर मिलेगा आपको। अब थोड़े दिनों में एक महिला आने वाली है आपके घर। मैं जा चुकी हूँ उसके। अजीब से टाइम पे आएंगी जब पति के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गई होंगी ना, रात के 2 बज गए अभी तो कुछ नहीं खुला, चलो अनिल कपूर के घर चलते हैं। गुड वन। यस सतीश सर, आपने किस्सा सुनाया था ना दीवाना मस्ताना का? हाँ जी। कि अनिल सर अभी आए नहीं थे और आपका और गोविंदा सर का कुछ सीन हुआ और आपने इनको बताया और ये बाद में बोले कि मेरे साथ क्यों नहीं, वो क्या किस्सा था सर बताइए ना जरा प्लीज। नहीं वो ये था कि डेविड ने पता नहीं मुझे कॉन्फिडेंस भी ले लिया, जबकि दोस्ती मेरी अनिल से है, पर डेविड ने कहा यार गोविंदा के साथ सीन करना है और वो सीन हो गया तो कहता तू बताना मत। अच्छा। तो मैंने अनिल को बताया नहीं, पर अनिल को तो अगले दिन पता चल गया।
यू नो, तो मेरे को घर पे बुलाया, कहने लगा तूने यार गोविंदा के साथ सीन किया कोई, यू नो, और मैंने कहा हाँ एक सीन क्या कहता है जबरदस्त सीन हुआ सुना है, तो मैंने कहा हाँ कह रहे हैं वो एडिटिंग के बाद देखा उन्होंने, कहता अच्छा तो एक सीन मेरे साथ भी होगा असल में, तो बड़ी मजेदार लगती है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, इसी जैसे कि इन्होंने सतीश जी कहा, तो मैं तो जैसे तेजाब का जो गाना था 1 2 3 जी, वो सिर्फ माधुरी का था, तो गाना मैंने सुना, मैंने यार गाना तो ज़बरदस्त है, ये तो सुपर हिट होगा गाना, तो मैंने लक्ष्मी जी को बोला, मैंने बोला यार ये गाना मैं भी गाऊंगा। तो बोलते यार ये तो फीमेल गाना है 1 2 3, ये तो लड़की का गाना, लड़के का सब, मुझे आई डोंट केयर, जावेद साहब को फोन करो, मैंने जावेद साहब को फोन किया, मैं जावेद साहब ये गाना मैं भी गाऊंगा। मैंने ये कैसे हो सकता है, नहीं आपको लिखना ही पड़ेगा, आप इतने फनकार हैं, इतने बड़े राइटर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, वो गाना स्क्रिप्ट में था नहीं, मैंने जबरदस्ती डाला। ये स्पिरिट होनी चाहिए सर, तभी तो छाए हुए हैं आप। हमारे और अनिल जी के ना कई बार एज ए डायरेक्टर एक्टर बड़ी शूटिंग के बड़े किस्से हुए हैं, और हमने एक बार डिसाइड किया था लाइफ में कि यार कभी भी है ना बेस्ट फ्रेंड्स होना, अब्रॉड शूटिंग ना करें, अमेरिका में या कहीं, क्यों ना अमेरिका के प्रेशर बहुत होते हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो एक बार अच्छी तरह मुझे याद है, अनिल बड़ा पैशनेट, एक तो क्या हमारा दिल आपके पास है, हम पिक्चर के गाने को शूट कर रहे थे कनाडा में, कैलगरी एक जगह, और वहां पर इनका और सोनाली बेंड्रे का गाना हो रहा था, मैं दूर खड़ा था कैमरामैन में, और जूम लेंस लगा हुआ था। अब अनिल और मेरा रिलेशन ऐसा है कि क्या अच्छा हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसका डिसीजन अनिल भी ले सकता है, पर अभी क्या प्रेशर जो है तो होता है ना बाहर का, कि बाहर शूटिंग कर रहे हैं यार डॉलर्स में पैसा खर्च, तो एक बार बहुत दूर थे ये और टेली कैमरा था, और वो जब गाने का एक थोड़ा सा छंद खत्म हुआ तो अच्छा कैसे बात कर रहे हैं बेस्ट फ्रेंड्स, तो मैंने कहा ओके, तो ये करा नॉट ओके, तो मैंने कहा नो ओके, अच्छा मेरे ऊपर प्रेशर, नो ओके फॉर मी, नॉट ओके फॉर मी, आई सेड इट इज ओके, मैंने कहा अनिल बड़ा अच्छा किया तूने, ओह मैं तो अच्छा करता ही हूँ, मैं अच्छा हूँ, इसने अच्छा नहीं किया। तो बेचारी सोनाली बेंड्रे जो है वो कहते हैं तो कहा वो जो ना प्रेशर जो होता है ना तो चिल्लम चिल्ली में डायरेक्शन हो रही है सर, मैं ऐसा लग रहा है कौन ज्यादा ज्यादा ऊंचा बोल सकता है। लव यू बड़े लोग, लव यू अनिल जी, फैमिली शो है इसलिए आज मैं अपनी फैमिली लेकर आया बड़ू। ये मेरी चाची की बेटी, ये मेरे बुआ की बेटी, और ये मेरी चाची और ये मेरी बुआ। गॉड ब्लेस यू। क्या बात है बड़ू लोग, वाह अर्चो मेरा बच्चा है तो। राज जी मेरा बच्चा है तो नहीं बड़ा है तू बैठ। मुक्ति जी सर मेरा बच्चा है तू, बाद में खाऊंगा अभी कच्चा है तू। अनिल जी अभी भी बच्चे हैं आप। सतीश जी मेरे बच्चे हैं आप, ऐसा आप मेरे को बोलो। बड़ो एक मिनट, बड़ो टाइगर को फोन लगाने का, बड़ो एक मिनट। इनका हाथ क्यों दबा रहे हैं आप? अरे वो लड़की बोल रही है गाना कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। अरे गुरु जाने दो। एक तो टाइगर को फोन ही नहीं लगता है, क्यों? उधर मालदीव्स में नेटवर्क ही नहीं पकड़ता ना, उधर ही रहता वायर। क्या बात है, थार के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। अरे
लेकिन कमाल करता है। लेकिन बेड़ो क्या एनर्जी है बेड़ो, क्या एनर्जी अनिल जी में। मैं बेड़ो बचपन से देख ला बेड़ो। हाँ, जब ये पैदा हुए थे इनको प्रेम में रखा था इसे। तो ये बोलते बेड़ो क्या पैदा हुआ हूँ मैं, बेड़ो क्या पैदा हुआ हूँ मैं। फिर इनके मम्मी डैडी ने नर्स से पूछा, बोले क्या हुआ है। नर्स भी बोलती है झकास हुआ है झकास। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, मेरे को याद है जब ये पैदा हुए थे। इनके घर पे बधाई मांगने वाले आए। तो बधाई मांगने वाले नाच रहे थे। सोचो छोटा सा बच्चा बधाई मांगने वालों पे भड़क गया। अबे एनर्जी लाओ, एनर्जी एनर्जी लेकर आओ, एनर्जी से नाचो। फिर जो इन्होंने एनर्जी में डांस किया ना, अच्छा। बधाई वाले भाग गए। हेलो माय, अरे यार इतनी सारी चीजें इनके बारे में इसलिए जानता हूँ बड़ू। कैसे? माय बड़ू बहुत काम किया अपन लोग ने साथ में। हमने वो पिक्चर के था अंदर बार, वो बाहर किया था, माल बहुत अंदर किया था हम लोगों ने। फिर बड़ो उसके बाद हमने राम लखन, हाँ, कर्मा, हाँ, 1942 लव स्टोरी और फिर जुदाई। आप जुदाई में कहाँ थे? पूरा तो सुन ले, उसके बाद जुदाई कहिया ही नहीं उसके बाद। खैर क्या बात है सतीश जी, लव यू बड़ो। लव यू सतीश जी। इससे पहले आप अन्नू कपूर जी के साथ आई थी, हाँ। आज आप अनिल कपूर जी के साथ आए, हाँ। आपको मालूम है आलिया भट्ट रणबीर कपूर जी के साथ गई, हाँ। तो इसमें क्या, उनको क्यों बता रहे हो आप? मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग कपूर के साथ जाते हैं, हाँ। ये पहले हैं जो कपूर के साथ आते हैं। फिल्म लाइन में बड़े लोग जोड़ियां बहुत कमाल की बड़ी, हाँ। अभी देखो जैसे गोविंदा जी, करिश्मा कपूर, शाहरुख खान, काजोल, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, लेकिन सबसे बड़ी जोड़ी है बेड़ो अनिल कपूर जी और सतीश कौशिक जी की। बेड़ो अनिल जी की फिल्मों में हीरोइन की कास्टिंग बेड़ो बाद में होती है, पहले सतीश जी की होती है। लेकिन बेड़ो सतीश जी, दादा इधर आके बैठ जाओ सर, इधर बैठ। हाँ बड़ू आप आराम से बैठे जग्गू दादा। मैं सतीश जी, दादा आराम से ऊपर ऊपर दादा, अरे बाप रे, ऊपर बैठिए ना आप। बड़े यार बड़ो सतीश जी, कमाल का काम करते हैं आप। लेकिन आपकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया बड़ू। क्या? ये देखो हाथ में छाले पड़ गए। क्यों? हाथ में क्यों दर्द? अरे इतनी अच्छी एक्टिंग काय को करते हैं, हर सीन में ऐसा ताली बजाना पड़ता है यार। एक दिन तो बड़ो कमाल हो गया। क्या? एक दिन सतीश जी खड़े थे और उधर एक आदमी ताली बजा रहा था। मैं बोला बड़ो एक्टिंग ही नहीं कर रहे, ताली काय को बजा रहा है? तो बोलता है मेरे को इतना गुस्सा आया, हाँ। मैं उसके पास गया, मैंने बड़ो तुझे कर रहा है ठीक नहीं है, मैंने उसके मुंह में मिट्टी डाला और ऐसा झाड़ लगा दिया। अरे बड़ो क्या बात है, आज पहली बार मेरे को मुक्ति मिली। मैं सच्ची बोलता हूँ आपकी फैमिली का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपकी फैमिली की फैन हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू, अब उन दोनों टैलेंटेड फैमिली से बड़ू। लेकिन आपका तो कमाल ही है, इनकी बड़ी बहन है नीति मोहन, वो बड़े बड़े सिंगिंग शो में जज है, काय को, क्योंकि कमाल का गाना गाती है। और फिर इनकी बहन है शक्ति, वो बड़े बड़े डांस शो में जज है, काय को, क्योंकि कमाल का डांस करती है। और एक अर्चना जी हमारी जज है, काय को, काय को, चेंज द टॉपिक। Oh,
लेकिन बड़ो अनिल सर, हम लोग मस्ती मजाक करते रहते हमेशा, लेकिन आज इतने बड़े बड़े लोग आए ले, मैं सम्मान करना चाहूंगा। ये गलत बात है, मजाक मस्ती जब देखो मजाक मस्ती मजाक मस्ती। मैं मारो की तरह। नहीं नहीं, आज बनता है बड़ो। क्या बात, मुझे आपका शो में इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा लगा और बिना पैसे के भी इतना हंस रही हैं आप, बहुत बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू। आप कौन मैडम? ओ सॉरी, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, मजाक मस्ती अपनी जगह है, ये बात दिल से है। अर्चना जी नहीं तो अपना शो पूरा नहीं होता, जोरदार ताली हो जाए। अरे क्या बात है राजी, लव यू राजी। जादू करके दिखाओ ना। इनको जादू कैसे आता है? अरे जो आदमी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, इंजीनियर है, मेरे को लगता है कबूतर भी निकलते होंगे आज से। नहीं कोई नहीं बड़ो, मैं आपको करके बताता हूं। क्या? अरे कबूतर कहाँ है? हाँ तो मैं भी जादूगर कहाँ है, कमाल है यार। क्या बात करता है बड़ो। दादा अरे उनकी थार फिल्म आ रही है, आप कैसे बात कर रहे हो? अरे क्या बात है बेड़ो, मैंने थार देखी, कमाल कर दिया बेड़ो आप लोगों ने। कैसे देख ली? फिल्म तो अभी आई नहीं है। अरे लेकिन जिस फिल्म में ऐसे कलाकार हो, ऐसे डायरेक्टर हो, फिल्म कमाल की नहीं होगी क्या बेड़ो? हाँ अनिल सर कमाल है, तेरे को मालूम नहीं बेड़ो, जो आदमी सोते सोते अपने बाल खराब नहीं होने देते वो सोचो फिल्म पे कितना ध्यान देंगे। अनिल सर ऐसे ही, तेरे को मालूम है जब सोते ना रात को 2 बजे उठ के देखते हैं, बोले मैं ठीक सो रहा हूं ना, फिर 4 बजे उठते बोलते हैं मैं ठीक सो रहा हूं ना, फिर 6 बजे उठते बोलते हैं मैं ठीक सो रहा हूं ना, फिर 9 बजे उठ के बोलते हैं आज मैं ठीक से सो नहीं पाया। लव यू अनिल सर मैं, लेकिन अनिल सर का कमाल है बेड़ो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लेकिन जो करते अपने हिसाब से कमाल। आप लोगों ने बेड़ो लोग वो कहानी सुने लाए बचपन में, वो खरगोश और वो कछुए का, मालूम है उन लोगों का रेस लगता है और वो कछुआ जीत जाता है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि खरगोश क्यों नहीं जीता, पूछो क्यों? क्यों? वो जब भाग रहा रहता रस्ते में अनिल जी मिल जाते, बेड़ो कैसा है बेड़ो, कैसा लग रहा हूं मैं बड़ो? एनर्जी रख, एनर्जी एनर्जी रख, एनर्जी रख। और यही बात कछुआ सुन लेता और भाग के फर्स्ट हो जाता, ऐसा होता बड़ो। आप लोगों ने वो थर्स्टी क्रो का भी कहानी सुना रहेगा, वो जो उसको पानी नहीं मिलता, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि घड़े में पानी कम है, हर जगह अनिल जी थोड़ी जाएंगे क्या यार। Hey, love you. आप लोगों का थार आ रहा है, बहुत अच्छा लगा बेड़ो, सुपर हिट होएगा, अपना दुआ है, हमेशा अपनी दुआ रहती है। खैर मैं चलता हूँ, अनिल सर मेरा उधर लाइव शो है इधर। अच्छा हाँ, तो मेरे को मार्केट से अभी कुकर भी खरीदना है। क्यों? शो के लिए कुकर क्यों खरीदना है? मैं क्या है, जैसे स्टेज पे चढ़ता हूँ ना परफॉर्म करने, तो नीचे बाटला रखता हूँ गैस का, उसके ऊपर कुकर रख देता हूँ, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे भले ही हो सीटियां बजती रहनी चाहिए। खैर लव यू, बाय बाय, चलता हूँ सर, बहुत मुबारक हो, लव यू मुबारक। अच्छा आप सब जानते हैं थार जो है रेगिस्तान में शूट की गई है, गर्मी बहुत होती है। अब मैं आप सब लोगों का मत जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है गर्मी ज्यादा परेशान करती है कि सर्दियाँ? माइक माइक ले दीजिए भाई साहब को। हेलो एवरीवन, दिस इज हर्षिल शाह फ्रॉम मुंबई। जी हर्षिल, बहुत बहुत स्वागत है। जनरली मुझे कोई गर्मियों से प्रॉब्लम थी नहीं, बट जिस दिन शादी मेरी गर्मी में हुई उस दिन गर्मियों से मुझे प्रॉब्लम होने लगी। प्रॉब्लम है? तो क्या प्रॉब्लम हुई आपको? सर मेरी शादी राजस्थान विलेज में हुई, तो हम लोग को वहाँ पे 15 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है, तो उस दिन हम लोग मस्त सज धज के एकदम मेकअप करके गए। कितने लोग थे आप? अराउंड 200।
अच्छा सर, जैसे वहाँ पे पहुंचे सबका मेकअप वाइप आउट हो गया, और जैसे मैं मंडप में बैठा तो मैंने मेरे वाइफ को देखा, उसका भी मेकअप पूरा वाइप आउट हो गया। फिर आपने कहा नहीं कि ये कौन है? नहीं नहीं सर, उतना फिर ऐसा मौका नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग थे। और सर ये तो ठीक है, पर जनरली अभी वेडिंग एनिवर्सरी वो भी गर्मी में ही होती है। अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी भी गर्मी में आती है? ऑप्शन ही नहीं है फिर सर। तो फिर उसके लिए सब वाइफ को गिफ्ट्स लाना वो सब, तो उसके लिए ट्रैवल करना वो भी सब, घूमने भी गर्मी में ही होना पड़ता है, तो इसके लिए मुझे गर्मी पसंद नहीं है। आपकी वाइफ भी आई साथ में? नहीं आई सर, अकेला है सर। वो वाइफ आती तो मैं इसे बोल नहीं पाता। हनीमून के लिए कहाँ गए थे सर? हनीमून के लिए सर मालदीव्स। फिर गर्म जगह पे? सर वो तो एक ही बार गए ना हनीमून के लिए। हनीमून एक ही बार होता है? हाँ तो इसके लिए तो बोला। हर हफ्ते किसका होता है? नहीं मैं ये बोल रहा था, शादी को कितने साल हो गया है? 5। अच्छा जी, बच्चे कितने हैं? सर एक बच्चा है और सेकंड ऑन द वे है। शाह साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। चलिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे आपको कम गर्मी लगे। और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो जी। हेलो एवरीवन सर, मेरा नाम सुनील है और मैं बिहार के छपरा से हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। जी बोलिए सर। मुझे सर्दियों से बहुत प्रॉब्लम है, मतलब पिछले साल से ज्यादा, मतलब नफरत सी हो गई है क्योंकि हुआ। नफरत हो गई है? क्यों सर? एक्चुअली हुआ यूं कि एक लड़की पे मेरा क्रश था, काफी दिनों से हम लोग जानते थे एक दूसरे को, एंड फाइनली हम एक दिन रेस्टोरेंट में थे, मतलब ठंड का मौसम था, फॉग ज्यादा था उसमें। अच्छा जी। और कोई था नहीं तो मैंने उसे प्रपोज कर दिया। अरे धुंध देख के प्रपोज कर दिया? जी सर, मौका मिला तो मैंने प्रपोज कर दिया। अच्छा जी। फिर? और सर वो रिजेक्ट करते हुए ये बोली कि मतलब बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे हो, पर काश तुम अगर हमारे उम्र के होते तो मैं खुद तुम्हें प्रपोज करती। किस उम्र की थी वो? मतलब यही 25 की थी। तो आप कितने हो? 23-22, मतलब एक दो साल गैप था। और मैंने आधार कार्ड पैन कार्ड सब दिखाए फिर भी वो नहीं मानी। आप लड़की को प्रपोज करने गए थे, पासपोर्ट बनाने गए थे आप? ये क्या आधार कार्ड कौन देता है लड़की को? नहीं सर, मैं किसी तरह भी कन्विंस करना चाहता था कि मतलब हो जाए। फिर क्या बोली वो? फिर सर रिजेक्ट कर दी। तब से सर्दियों से बहुत नफरत हो गई। फिर गर्मी में ट्राई करने वाला देखा। हाँ, गर्मी में ट्राई करूंगा। तो अभी फिर क्या करते हो आप? तो सर अभी मतलब स्ट्रगल कर रहा हूँ इसी क्षेत्र में। नहीं, स्ट्रगल किस फील्ड में कर रहे हैं आप? प्रपोजिंग, मतलब प्रपोज करने में। सुनील कुमार, इस आदमी को ध्यान से देखिए, ये अगर कहीं आपको प्रपोज करे आप कृपया सिलेक्शन ना करें। काम वगैरह क्या करते हैं आप? प्रपोज का काम एक्चुअली मतलब नहीं है सर, कुछ है नहीं। तो कितना कमा लेते हैं इस धंधे में? प्रपोज करते हैं। शुक्रिया सुनील जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। अनिल सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी क्या रात हो गई है तो यहाँ पे ना पुलिस इजाजत नहीं देती शूटिंग करने की। तो अगर पुलिस आ गई हम सबको बैठे देखेंगे, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप प्लीज सामने आ जाएंगे थोड़ी देर के लिए? जरूर जरूर। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। The handsome hunk, the crush of three generations. Give a round of applause to Mr. Satish Kaushik. नहीं देखिए, कपूर साहब आपको तो कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा कौशिक साहब को खुश करे। हाँ जी, मेरे को फोन आया था, यहाँ पे किसी की चोरी हुई है। चोरी? हाँ मेरे को। हेलो, इंस्पेक्टर साहब, आप इंस्पेक्टर हैं? नहीं, मैं क्यारा अडवाणी हूँ, इधर प्रमोशन के लिए आया हूँ। अब हंस कर रही है। अरे लेकिन आप भर्ती पे क्या कर रहे हैं? इधर तो आओ। हाँ जी, आ रही हूँ, आ रही हूँ। आपको दिख रहा है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ? फिर जी से सवाल पूछ रही है। अच्छा, मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ कि चोरी हुई है, चोरी हुई है, आप अभी आ रहे हैं? वो तो आपने फोन पे इतना ही बताया कि चोरी हुई, ये थोड़ी बताया आपने कि आप इतनी सुंदर हो। अगर आपने बताया होता मैं चोरी से पहले आ जाता। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, आप चोरी से पहले कैसे आ जाते? यही तो हमारी प्रॉब्लम है कपूर साहब, हमें चोरी से पहले कोई बुलाते नहीं। ऐसी मनहूस चीजों के लिए बुलाते हैं। इधर चोरी हो गई, इधर कत्ल हो गया। हाँ। कभी नहीं कोई कहता हमारा बर्थडे हो रहा है, आ जाओ, आ जाओ। हमारी शादी, आ जाओ। तुमने भी कहाँ बुलाया मुझे अपनी शादी पे? एक्सक्यूज मी, मेरी कोई शादी नहीं हुई है, ठीक है? आई एम सिंगल।
मैंने यही कंफर्म करना था। होता क्या कपूर साहब, ये लड़कियों से डायरेक्ट पूछो तो बताती नहीं है, बड़ा छुपाती है। आप इधर क्या कर रही हैं? मैं एक्चुअली यहीं पे चिल पैलेस में पार्टी करने आई थी, फिर मैं यहीं रुक गई। इस होटल में? हाँ। इधर तो ढाई ढाई मिनट बाद रेड पड़ती है। अरे इसका मालिक तो खुद हमारे थाने में रह रहा है, और आप मतलब चोरी कितने बजे हुई? तकरीबन कुछ 9:30 बजे। 9:30 बजे जी। और आपने मुझे फोन किया 10:15 बजे जी। तो 45 मिनट आप चोरों के लिए नूडल बना रही थी, क्या कर रही थी आप? उसी समय फोन करना चाहिए था आपको। बाय द वे, नूडल ना 2 मिनट में बन जाता है, और मैं नूडल बनाऊं, मैं तंदूर बनाऊं, मैं भटूरे बनाऊं, जो बनाऊं उससे क्या लेना देना है? आप केस सॉल्व करिए ना प्लीज। अच्छा, चोरी करवाओ किसी और से और सॉल्व करें हम। वाह, यहाँ क्या कर रही थी तुम? एक्चुअली मैं यहाँ फिल्म प्रमोशन के लिए आई थी। अच्छा, फिर मुझे लगा मैं चिल पैलेस जाके दोस्तों के साथ थोड़ी पार्टी कर लेती। अच्छा अच्छा, की पार्टी? फिर पार्टी हाँ करी। बड़ा मजा आया होगा, दारू भी होगी? नहीं नहीं, मैं दारू नहीं पीती। हैं, डांस वांस किया? डांस नहीं, नहीं डांस तो नहीं किया, अभी तक नहीं किया। तो पार्टी में इकट्ठे हो गए, सब लोग स्वेटर बुन रहे थे अंदर, क्या कर रहे थे? पार्टी में डांस नहीं करना इनको। और इंस्टाग्राम पे सारा दिन डांस की वीडियो डालती रहती हूँ। मुक्ति मोहन से आईडी है ना तुम्हारी? जी है। आपको कैसे पता? स्टॉक करते हो आप मुझे? मैं करता नहीं, हो जाता है। कपूर साहब, कौशिक साहब, आपको तो पता है शाम को 6 बजे के बाद जब हम थके हारे घर पे आते हैं, तो छोटे छोटे 200-200 ml के जब अंदर जाते हैं ना, पता ही नहीं 200 क्या क्या सर्च करने लगते हैं। कपूर साहब का तो मुझे पता है वैसे क्या सर्च करते होंगे जी। कपूर साहब का क्या सर्च करते हो? नहीं, कपूर क्या सर्च करते हैं, इससे मोहन को क्या लेना देना? करते ही होंगे कुछ ना कुछ, हमें थोड़ी दिन भर दिन जवान होते जा रहे हैं। अच्छा, आप वो थार फिल्म में आ रही हैं? जी जी, मैंने जी, आपका जी। देखा ट्रेलर, बड़ा अच्छा लगा। वाह वाह, थैंक यू थैंक यू, क्या बात है। मैं कभी हीरोइन वगैरह से मिलता नहीं, तो आज आप पहली बार मिली हैं। आपके फेवरेट हीरो कौन है वैसे? मुझे टाइगर श्रॉफ बहुत पसंद है। अच्छा, तो जिन्होंने काम दिया वो तुम्हारे फेवरेट नहीं है? नहीं, अब ये एहसान मत करो तुम। नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना, एक बार कमान से निकला हुआ तीर और सतीश जी का निकला हुआ पेट वापस नहीं आ सकते। ये मुझे अर्चना जी ने कहा था बोलने के लिए। वैसे जब चोरी हुई तो सतीश जी यहीं पे थे, तो आपको किसी पे कोई शिक? ये मेरा थोड़ा सा वर्ड प्ले होता रहता, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आपने मुझे फिर बात में लगा लिया, जल्दी बताओ चोरी क्या क्या हुआ आपका? एक्चुअली मेरा एक ब्रांडेड पर्स था, उसके अंदर मेरा लैपटॉप था, फोन था, और मेरा ना शेरू भी था। शेर लेके घूमती हैं आप? नहीं 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 नहीं, मेरा 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 डॉग है, उसका नाम है शेरू। कुत्ते का नाम शेरू है जी। तो कल को शेर को बच्चा हुआ तो वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेगा? कुत्तू। क्या फालतू बात करते हैं ना आप, मतलब आप चोरों को पकड़िए ना, मतलब आपको मेरा पर्स नहीं ढूंढना? उसमें मेरे पता कितना सारा सामान था, मेरा फोन, मेरा लैपटॉप, मेरा लिप बाम, मेरे मस्कारा, मेरा आई शैडो, मेरा ब्लशर। आपका पर्स चोरी हो गया, आपका मकान चोरी हुआ है, कितना सारा सामान। हे भगवान, देखो चोर की कोई फोटो है तो दिखाओ आप। चोर की फोटो कैसे होगी मेरे पास? चोर की कोई फोटो नहीं, वैसे तुम हर चीज की सेल्फियां लेती हो। जब चोर चोरी कर रहा था उसकी सेल्फी लेनी चाहिए थी। कैसे? आप उसको टैग करती। हाँ। और नीचे मैं कमेंट करता कि तुमने अपराध किया, यू आर अंडर अरेस्ट। सोशल मीडिया पे पकड़ते, सोशल मीडिया पे फैसला हो जाता। वैसे भी आजकल सारे फैसले सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, आपको पता ही है। आपको फोटो खींचनी चाहिए थी आपको। ये सटायर आपने अच्छा मारा, लेकिन आपने मुझे फंसा दिया है यहाँ पे। आप फंस गई हैं जी, तो मुझे बताओ ना, मुझे लगा था वी आर स्टिल स्ट्रेंजर्स। Excuse me, you're crossing your limit, ठीक है? आपको कैसे पता मेरी लिमिट यही थी? मैं सब जानता हूँ, मुक्ति मोहन, शक्ति मोहन, नीति मोहन, कृति मोहन, चार बहनें हो आप, स्टॉकिंग में तो मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। उसके लिए वो नहीं पकड़ना, चोर को पकड़ना है आपको। नहीं, चोर को पकड़ लेंगे हमें क्या मिलेगा? आपका फर्ज नहीं बनता हमारी मदद करना? अच्छा, सारा पर्स आपका, हमारा सिर्फ फर्ज। चोर का कोई हुलिया वगैरह बताइए। मैंने ना उसको थोड़ा सा दूर से देखा था, लेकिन उसने अच्छा ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, थोड़ी ऐसी गंदी सी थी, टाई एंड टाइप, और ना जीन्स फटी हुई थी, मोजा भी अच्छा, थोड़ा वो अलग चोरी सा कर रहा था, और तुम उसकी ड्रेसिंग सेंस तो ये जज कर रही थी। अब मैं देखूंगी ना, गंदी सी टी शर्ट पहन के आया, और क्या वो मनीष मल्होत्रा से डिजाइन करा के आता? ये हद होती है। देखिए, आइडिया के लिए मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोटा पतला लंबा दुबला कैसा था? अनिल कपूर साहब जैसा था चोर के, सतीश कौशिक साहब जैसा था?
ये क्यों पूछ रहे हो? नहीं देखो, चोरी हुए हुआ आधा घंटा जी, तो अगर तो कपूर साहब जैसा हुआ फिर तो बहुत दूर निकल गया होगा। हाँ। तो अगर कौशिक साहब जैसा है हाँ, तो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हो सकता है कहीं इधर उधर छुपा हुआ हो। तो फिर चलिए ना, जल्दी जल्दी ढूंढते हैं उसको, यहीं पे होगा। जल्दी जल्दी इंद्रा, जल्दी नहीं होता। तो कानून के सिर्फ हाथ लंबे होते हैं, पैर हमारे नॉर्मल आप जैसे होते हैं, छोटे छोटे, टाइम लगेगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप पर्स, लैपटॉप, फोन सब भूल जाइए, लेकिन मेरे शेरू को पकड़ लीजिए प्लीज। ओहो, उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। शेरू की कोई फोटो है आपके पास? हाँ जी है। ओहो, इतना बुजुर्ग कुत्ता, सारे बाल इसके सफेद है। नहीं नहीं नहीं, ये कैसा कुत्ता रखा आपने? अरे ये पोमेरियन ब्रीड है ये, इसके इनके बाल ही सफेद होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं इतने दिनों से उसने कुछ खाया वाया भी नहीं होगा, पता नहीं इतना भूखा होगा बेचारा शेरू, उसको ढूंढ लीजिए प्लीज। इतना प्यार? बहुत प्यार। शुरू से पाला आपने इसे? हाँ एकदम बच्चे की तरह पाला है उसको मैंने। ये ना तुम लेडीज की मुझे प्रॉब्लम नहीं समझ में आती, कुत्तों को बच्चों की तरह पालती है, पतियों को कुत्तों की तरह पालती है। किसी वजह से मैं तुम्हें शादी के लिए मना करता हूँ। मैंने शादी के लिए पूछा कब? मुझे पता था तुम तो मेरी रेंज से ही बाहर हो, तो मुझे पता था कि मना तो करेगी, इससे अच्छा अपनी लात तो ऊपर रखो। देखो तुम्हारी फालतू बकवास नहीं सुनने आई हूँ मैं, पता है मैं कमिश्नर को फोन करूंगी और तुम्हें अंदर करवाऊंगी, सस्पेंड कर दूंगी तुम्हें। तो करवा दो सस्पेंड, आपका बड़ा भला होगा। क्यों? क्योंकि सस्पेंड करने के लिए उसे मुझे वापस नौकरी पे भी तो रखना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, सस्पेंडेड है जी। तो पहले क्यों नहीं बताया? सरप्राइज। मैं तो हुआ क्या? हुआ क्या? मैं भी कोई ऐसे ही बंदा मिल गया, वो थोड़ा सा प्यार से पैसे दे रहा था मेरे को, मैंने भी ले लिए थोड़े से। वो कमीशन साहब ने रंगे हाथों पकड़ लिया, कहते तुम रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो, यूर अंडर अरेस्ट। तो मैंने कहा अंडर अरेस्ट क्यों करना है, थोड़ा बहुत लेके बात खत्म कर दो। अच्छा एक ही मौके पे मैं रिश्वत लेता हुआ और रिश्वत देता हुआ दोनों तरफ पकड़ा गया, ये डबल सस्पेंडेड। ये हिसाब से वेरी नाइस, लेकिन ये आपने पहले क्यों नहीं बताया, मेरा इतना टाइम वेस्ट क्यों किया? और जो आपने सतीश जी का इतना टाइम वेस्ट किया वो? मैंने कहा वेस्ट किया उनका टाइम? क्यों नहीं, कब से वो सांस खींच के बैठे, एक बार भी नहीं देखा तुमने? फिर बोलती हूँ, एक बार जोरदार तालियां सर, राज और मुक्ति के लिए। सर जी धन्यवाद, आइए। और आज मैं एक और स्पेशल गेस्ट से मिलवाना चाहता हूं, तो यहां पे हमारे साथ इस समय सूरज व्यास जी मौजूद हैं। सूरज जी आप प्लीज मंच पे आइए, क्योंकि मुझे अनिल सर ने खास तौर पे बताया कि बहुत सारी फिल्मों में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो इन्होंने बहुत हेल्प की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पे आने के लिए। थैंक यू अनिल सर, कब से जानते हैं आप इनको? टोटल धमाल के लिए मुझे गुजराती का डायलॉग सीखना था। अच्छा जी, तो जब से मेरी इनसे मुलाकात हुई, टोटल धमाल को मेरे ख्याल से हो गए 3 साल हो गए, मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए हैं। और इन्होंने इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार भी किया, बड़ा माखन का किरदार किया। वाह, सिर्फ किरदार ही नहीं किया, अंदर भी डाला लगता है काफी। जोरदार तालियां सूरज व्यास साहब के लिए। अनिल सर, सतीश सर, राज जी, सूरज जी, मुक्ति, माय पार्टनर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू, बड़ा मजा आया सर आपके साथ हमेशा की तरह, और ढेर सारी शुभकामनाएं थार के लिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इजाजत लेने से पहले एक इंतजार करना चाहूंगा कि पूरे देश में गर्मी जो है वो बहुत जोरों से पड़ने लगी है। इस समय हम तो अपना ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जो बेजुबान जानवर हैं, पक्षी हैं, वो अपना ध्यान शायद नहीं रख सकते। तो आप अगर हो सके अपने घरों के बाहर खिड़की पे, दरवाजे पे या सड़क के किनारे मासूम पक्षियों और जानवरों के लिए पीने का पानी जरूर रखें, और हो सके तो घरों में हो रही पानी की वेस्टेज को जरूर रोकें, क्योंकि जल है तो कल है। गुड नाइट, शुभ रात्रि। एक्सक्यूज मी कपिल जी, एक्सक्यूज मी। नमस्कार, मेरा नाम क्रिस्टीना है, मैं मोल्डोवा से हूँ एंड लिविंग इन इटली, और मैं खास कपिल जी के लिए खास आया हूँ। थैंक्स क्रिस्टीना, वेलकम। और मैं आप ना बहुत बड़ी फैन हूँ। पहले क्यों नहीं बोली? मुझे तो लगा साड़ी में पुष्पा बैठी है तो क्रिस्टीना। मैं
क्योंकि मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने साड़ी पहन ली है। पर आप बड़ी प्यारी हिंदी बोलती, कहाँ से सीखी आपने? वो एक्चुअली मैं बचपन से हिंदी मूवी देख के हमने सीखी है। वाओ, तो अभी यहाँ पे कैसे आना हुआ? फ्लाइट से। मुझे इंडिया सच में प्यार है। थैंक यू क्रिस्टीना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आई और आप इंडिया से इतना प्यार करती हैं, इंडियन फिल्मों से इतना प्यार करती हैं। जी जी, हमारा भी दिल करता है आपको प्यार करें, पर शादी हो गई है, हम क्या करें। अनिल कपूर का भी बहुत बड़ी फैन हो। उनके तो बच्चे भी बड़े हो गए। तो उसको आज देख के मेरा रोना अचानक से आ गया, सच में कह रहा हूँ। सतीश सर को बोल दो, फिर वो बुरा मानेंगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.